हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उत्तराखंड उड़की से सालू किशोर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मेरी शादी को 27 साल होने वाले हैं पूरे। मैंने इस तरह बर्फ़बारी नहीं देखी है यहाँ पर, और एक सूखी बर्फ़बारी हो रही है और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। गाड़ी पे देखे बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है और बहुत छटक रहे हैं बर्फ़, और बिल्कुल सूखी बर्फ़ गिर रही है और बहुत तेज़ी से। तो भाई ऐसा बर्फ़ तो मैंने पहली बार देखा। छत पर मैं पन्नी लगा के आई थी, पन्नी का कुछ असर नहीं हुआ, इतनी तेज़ हवा वगैरह चल रही थी, पन्नी तो हट गया है। और ये देखिए इस तरह आंगन में ओले पड़ रहे हैं। और उड़की में मैंने पहली बार मतलब मैंने बर्फ़ देखा है, और मेरे आंगन में बहुत सारे बर्फ़ हो रहे हैं। तो मेरे घर में ये भुजाया था पत्थर ये वाला, तो इसलिए बर्फ़ का अंदाज़ा नहीं लग रहा, और बहुत बर्फ़ पड़ रहा है और पानी भी आंगन में गिरने लगा है। और आपको बाहर भी दिखा देती हूँ, बाहर पूरा सड़क सफ़ेद हो रहा है बर्फ़ से, और अभी पानी के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ रहे हैं। यहाँ पर देखो बर्फ़ बर्फ़ है, और चलो ऊपर दिखा के लाती हूँ। बर्फ़ का जो धार है वो पूरब की तरफ ही है, तो बर्फ़ के साथ साथ बहुत तेज़ी से बारिश भी होने लगी है। ये देखिए पूरा बर्फ़ का सफ़ेद चादर सा बिछ गया है यहाँ, और बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ हो रही थी। और मैं तो अपना नीचे रसोई में काम कर रही थी, और जब आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ आने लगी, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, ऐसे पटाखे छूट रहे हैं। तेज़ बारिश होने लगी है, और बारिश की वजह से मेरे घर में मतलब जीने से बहुत तेज़ पानी आ रहा। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल झरना बना हुआ है, और ये ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल धुआंधार बारिश हो रही है। देखिए जगह भर रहा पानी। ऊपर जो मैं पन्ना डाल के आई थी वो तो हवा में उड़ गया है, इधर उधर हो गया है। देखो आंगन का मेरा क्या हाल हो रहा है, आज छतरी भी नहीं खुल रही। और यहाँ पर देखो नाली में भी तो कूड़ा भर गया है, तो छतरी भी बड़ी मुश्किल से खुली है, और यहाँ पानी भरा है। मेरा मोजा भी भीग गया है, तो नाली से कूड़ा भी हटाना पड़ेगा। और आपको बर्फ़ दिखाती हूँ छत पर, ये है बर्फ़ छत का। पहले कूड़ा साफ कर दूँ यहाँ का, जब तक कूड़ा नहीं साफ करूँगी। यहाँ पर मैंने खाद भर रखा था, तो बोरी जुड़ गई है, इतनी तेज आंधी चल रही थी। पन्नी के नीचे भी बर्फ, और ये सारी पन्नी फट गई, और बहुत मजबूत और महंगी पन्नी थी, सारी फट गई। ऐसा लगा कि बर्फ लग रहा हो, आपका गोला गिरा हो। निकाल दिया तो पानी भी जाने लगा है, एक बार और निकाल देती हूँ, हटा देती हूँ यहाँ से, ये पत्ते वगैरह फंस जाते हैं। और ये देखो बर्फ इसमें बाल्टी में, देखो पड़ने के थोड़ी देर बाद चमत्कार देखोगे, तो मैं दिखाती हूँ आप सभी को चमत्कार। इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा, बहुत तेज ओले पड़े हैं वो आसर ने देख लिया है। और उसके बाद देखो उसके बाद देखो सूरज देवता भी चमकने लगे हैं। ये होता है कुदरत का करिश्मा। सब अपने अपने छतों पे आ गए नाली साफ करने के लिए, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी, और देखो धूप बहुत अच्छी तरह निकल आई है। ये क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बहुत तेज़ धूप निकल आई है, मतलब सूरज देवता पूरी तरह चमक रहे हैं। ये क्या इत्तेफाक है, बस भगवान ही जाने। और मैं सोच रही हूँ छत पे आई हूँ तो थोड़ा सा सफाई कर दूँ, बहुत गंदा हो गया पूरा छत, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया।
और बर्फ तो अभी भी पड़े हैं, दिखा रही। अपने छत की सफाई कर दी है पूरी अच्छी, और ये पन्नी भी लगा दी है। और ये पन्नी में देखो बर्फ से ही छेद हो गया, ऐसे लगा कि आग के गोले पड़ रहे हों इस तरह से। देखो ये पूरे पन्नी पे छेद हो गया है। और सूरज देवता ने दर्शन दिया था और फिर चले गए हैं, और अब बादल फिर से आ गया है और फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और ये हमें आंवले का ही काम कर रही थी, मतलब मुरब्बा बनाना था उसकी तैयारी कर रही थी, और इतने में तड़ तड़ की आवाज आने लगी, बहुत जोर जोर के, जैसे पटाखे छूट रहे थे इस तरह से आवाज आ रही। उधर तो ओले पड़ रहे थे और इधर ये लग रहा कि चीनी भी मुझे ओले जैसे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ओले ही हो।